अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई कंपनी नया पे प्राइवेट लिमिटेड को EMI यानी ई मनी इंस्टीट्यूशन के तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया है और उनको इजाज़त दे दी है कि वो अपने ऑपरेशंस लिमिटेड लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सेकंड कंपनी है जिसको इस तरह की सर्विसेज देने की परमिशन दी गई है। और अभी जो पायलट स्टेज पे ये अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे मर्चेंडाइजिंग के लिए और जो आप परचेजेस करते हैं ऑनलाइन उसकी पेमेंट का मेथड है। नया पे जो है वो एक ऐप होगी जिसमें आप साइन अप कर सकते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको ख़ुद मॉनिटर करेगा और गो टू द मार्केट रेडीनेस इसकी चेक करेगा और देखेगा कि क्या ये सूटेबल प्लेटफॉर्म है। जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा था कि ई पेमेंट्स जो हैं वो नहीं हो पा रही थी, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान में जो शॉपर्स हैं या जो कंपनीज हैं ऑनलाइन जो सेल कर रही हैं, जैसे दराज डॉट पी के हैं या बहुत सारे और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स हैं इस हवाले से, और ओवर द पीरियड अगर ये इनका जो ये स्टेज है ये क्लियर हो जाती है तो फिर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हमारे लोकल शॉपर्स को कि वो ऑनलाइन परचेजेस करें और अपने डेबिट कार्ड को एसोसिएट कर लें नया पे से और अपनी पेमेंट्स जो हैं ऑनलाइन करें। अभी तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑनलाइन ई मर्चेंडाइजिंग साइट्स थी वो पेमेंट ऑन डिलीवरी पे काम कर रही थी, और अब यह है कि एक अपॉर्चुनिटी यह है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि जी आपको डिलीवर प्रोडक्ट डिलीवर हो और आप वहाँ पेमेंट करें, बल्कि आप साथ ही अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये टेस्टिंग साइट पे है इस वक्त, स्टेज जो इसकी है टेस्टिंग है, और अब यह है कि लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे और अपना अकाउंट जैसे बाकी आप पेपाल का अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे भी अकाउंट आप अपना क्रिएट कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट और अपने जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो उनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सिक्योर्ड होगा और इसकी कोई इम्कान नहीं है कि ये आपकी जो मनी है वो हैक हो जाए या आपकी जो है पेमेंट्स गलत हो जाएँ, इसका कोई इम्कान नहीं है। और दिस इज़ अ गुड न्यूज़। चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस कंपनी के जो हैं वो दानिश लाखानी हैं और उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू बिगिन दिस जर्नी विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नया पे यूज़र्स। वी लुक फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पीपल्स डेली लाइव्स विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस हों या इंडिविजुअल्स हों वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको नया पे की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ तो आप फर्दर वहाँ देखें कि ये क्या कमिट कर रहे हैं लोगों के साथ। स्टे विद मी, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये नया पे की वेबसाइट है जी, NAYAPAY.com NayaPay.com। इसको जब आप खोलते हैं तो उसकी होम पेज के ऊपर इनकी न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें आप राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो नया पे इज़ एन इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स टू कम्युनिकेट एंड ट्रांजैक्ट सिक्योरली एंड कन्वीनियंटली। तो ये जैसे आप पेपाल पे अपनी शॉपिंग करते हैं, जो कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उसी तरह की एक फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड हो, आपकी पेमेंट सिक्योर्ड हो और आप अपने जस्ट लिंक कर दें अपनी पेमेंट मेथड, जो भी आपका बैंक अकाउंट है या आपकी जो डेबिट कार्ड है उसको आप लिंक कर दें तो ये आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जी एज एन ई मनी इंस्टीट्यूशन नया पे विल एनेबल कंज्यूमर्स टू ओपन ई मनी वॉलेट्स एंड मेक हैजल फ्री डिजिटल पेमेंट्स टू ईच अदर एंड टू बिजनेसेस।
यानी आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेसमैन हैं, आप अगर ई पेमेंट्स करना चाहते हैं या ई शॉप करना चाहते हैं तो आप नया पे को यूज़ कर सकते हैं। वी हैव पार्टनर्ड विद लीडिंग बैंक्स, PSOs एंड एजेंट्स नेटवर्क टू प्रोवाइड यूजर्स कन्वीनियंट ऑप्शंस टू लोड देयर वॉलेट्स, मेक परचेजेस एंड पे बिल्स। यूजर्स मे एक्सेस देयर फंड्स थ्रू द नया पे ऐप और एसोसिएट डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड एट थाउजेंड्स ऑफ ATM एंड रिटेलर्स अक्रॉस पाकिस्तान। यानी आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं डिफरेंट जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, और इन्होंने मुख्तलिफ बैंक्स के साथ और अपने इनके एजेंट्स भी अवेलेबल हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप अपने अकाउंट में मनी लोड भी कर सकते हैं, अपना बैलेंस भी देख सकते हैं और अपनी शॉपिंग भी कर सकेंगे। और इसमें अगर ये दरमियान में अगर आप देखें तो ये एक ऐप है जो कि अभी विद इन फ्यू डेज़ आपको अवेलेबल होगी नया पे, और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको इंस्टॉल करेंगे और अपना अकाउंट यहाँ बनाएंगे। और आप यहाँ देखें लेटेस्ट स्टोरीज़ में जोंग 4G पार्टनर्स विद नया पे टू प्रोवाइड सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। इन्होंने जोंग 4G के साथ भी पार्टनरशिप की है। और फिर सेकंड स्टोरी है नया पे एंड टेलीनॉर पाकिस्तान कम टुगेदर फॉर कस्टमर कन्वीनियंस। इन्होंने टेलीनॉर के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। और सिमिलरली आप अगर देखें तो नया पे पार्टनर्स विद फैसल बैंक फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो ये डिफरेंट न्यूज़ हैं डिफरेंट बैंक्स के साथ, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ के साथ, और इसके अलावा डिफरेंट जो आपकी Draaz.pk या बाकी जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं ये उनके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, मैं चाह रहा था कि आपसे ये शेयर करूँ। और आप यहाँ पे इस साइट को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इनकी न्यूज़ अवेलेबल हैं, ये जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था। और इसके अलावा भी ISO 27001 सर्टिफिकेशन भी इन्होंने ली हुई है। और नया पे एंड अपकमिंग EMI इज़ नाउ PCIDSS सर्टिफाइड भी हैं। नया पे एंड अपकमिंग EMI रिसीव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह की ये न्यूज़ हैं। तो आप वेट करें अ फ्यू डेज़, मेरा ख्याल है विद इन 1 वीक जो है ना आपके पास ये ऐप भी आ जाएगी और आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो आप ग्रोसरीज ख़रीदना चाहें, आप अपने कपड़े ख़रीदना चाहें या अपने बिल पेमेंट्स करना चाहें, तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। और अच्छी अच्छी न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।